हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट अस्तर वाला ब्लाउज सिलना सिखाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लिया है, तो इसको देखिए कुछ इस तरह से रख लेना है, ठीक है, आमने सामने। इस तरह से आमने सामने रख के देख लेना है, ठीक है, और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक पल्ले में सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देख लें। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से प्रिंसेस कट अत्तर वाले ब्लाउज को बनाया है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने कटिंग भी कर दिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी देखिए इस तरह से सिला है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस पार्ट को भी कुछ इस तरह से रखेंगे। देखिए, इस तरह से हमें रख के देख लेना है, ठीक है, और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें एक पार्ट को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया है, और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी तैयार किया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे, और यहाँ पर हमारी जो गुलाई वाली साइड है, तो उसमें हम यहाँ पर पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर हमने रेडीमेड कुछ इस तरह की पाइपिंग ली है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की पाइपिंग नहीं है, तो आप डोरी को कपड़े में लगाकर बना सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो प्रिंसेस कट पार्ट है, तो वो कुछ इस तरह से सिला जाएगा। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। तो प्रिंसेस कट पार्ट को हमेशा हमें नीचे से सिलना होता है, ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी पाइपिंग को सिल लिया है। दोनों पल्ले हमारे कुछ इस तरह से आए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से आई वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो उतनी वीडियो हमारी डिलीट हो गई थी। तो देखिए, यहाँ पर इस पट्टी को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके हमें एक दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पर आई वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे वाले पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को सीधा रखेंगे, और यहाँ पर हमें पट्टी को रख के एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हम इसमें बड़ी लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारे दोनों पल्ले आए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इस वाले पल्ले में पाइपिंग सिलेंगे। तो यहाँ पर हम रेडीमेड की ही पाइपिंग इसमें बनाएंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं। आप चाहे तो कपड़े की भी पाइपिंग लगा सकती हैं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से रखेंगे, और बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है।
और इसको हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक दाब सिलाई लगानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा देंगे। देखिए इस तरह से कट लगा देना है और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इससे हमारी पाइपिंग बनती जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग को बना लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। दूसरे पल्ले पर भी हमने पाइपिंग को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इस वाले पल्ले में नीचे से भी पाइपिंग को सिलेंगे। तो सीधी तरफ से हमें पाइपिंग को रख के एक इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे। तो पट्टी को भी हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी साइड से कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे की साइड भी पाइपिंग को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले पर भी नीचे से पाइपिंग सिली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और बीच में सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है, 26 को आधा करेंगे तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। और सीने की चौड़ाई हमारी 32 इंच है तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। और फिर दोनों निशान को मिला देंगे, देखिए इस तरह से। तो इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर ऊपर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने पीछे वाला पल्ला लिया है। पीछे वाले पल्ले में देखिए मैंने डिजाइन बनाई है, देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन बनी है। तो ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाई है, तो इसकी हमने अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है। आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकती हैं। और यहाँ पर मैंने इस तरह के लटकन बनाए हैं, तो इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक शोल्डर को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा भी शोल्डर सिल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हम बिल्कुल एक बराबर इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ब्लाउज की फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर भी हम बराबर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से सफाई से कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, इसमें हमें निशान लगाना है। तो नीचे हम मैन कपड़े को रखेंगे और उसके ऊपर अस्तर वाली बाजू रखेंगे। जो हमने निशान लगाया था तो उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और दोनों को फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। चारों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी कर दिया है, सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू से ली है। अब हम यहाँ पर इसमें लेस सिल लेते हैं, इस तरह से रखे। तो यहाँ पर हमने लेस को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देनी है बाजू सिलने के लिए।
फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे, बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे, और जो हमारा साठ में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोरी हमारी साढ़े पाँच इंच है, तो साढ़े पाँच इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा डिजाइनर प्रिंसेस कट अस्तर वाला ब्लाउज सिल कर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सा हमारा ब्लाउज बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी ब्लाउज बना सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।